इन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद गुण नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोय सव साम पंच परमेश भगवान की जय अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी बार नमोकार मंत्र पढ़ लें तो हमारा विषय इसमें चल रहा है सम्यक दर्शन का है ना और हमने सम्यक दर्शन के जो पंच लब्धियां हैं वो देखी थी कि क्या क्या चीजें चाहिए रहती हैं सम्यक दर्शन होने में कारण क्या है ठीक अब उसी का दूसरी तरह से भी हम देख सकते हैं कि और क्या कारण ठीक है ना बाहर एक बाह्य कारण क्या होते हैं जो हमने पहले लब्धियां देखी थी वो अंतरंग कारण हो गए ठीक है अब बाहर में क्या कारण है तो दो तरह से हो सकता है निसर्गज और अधिगमज निसर्ग मतलब नेचुरल निसर्ग बोलते हैं ना निसर्ग तो नेचुरल तरीके से और अधिगम मतलब दूसरे के बताने से पर उपदेश से ठीक तो इन दो के अलावा भी कुछ हेतु बताए हैं क्या इनके अतिरिक्त आगम में जो सम्यक दर्शन की छह बाह्य हेतु बताए हैं वे भी इन दोनों में अंतर्भूत हो जाते हैं कैसे मतलब अंतर्भूत हो जाते हैं मतलब जैसे जाति स्मरण है राइट जाति स्मरण क्या हो गया निसर्गज हो गया ऐसे सारे छे के छे जो है इन दोनों में एक तरह से इनकी सब कैटेगरीज कह सकते हैं ठीक है तो अब देखते हैं कि क्या है ये जाति स्मरण जाति स्मरण में क्या होगा अतीत के जन्मों की स्मृति जैसे इवन आज के टाइम में भी हमें लाइफ रिग्रेशन वर्ड सुनने मिलता है राइट? तो किसी किसी को जो बहुत सेंसिटिव हो, ऐसे में अगर अपनी प्रीवियस लाइफ दिखाई दे जाए राइट और वो देखे कि मैं प्रीवियस लाइफ में कुछ था और अब की लाइफ में कुछ हूँ और कैसे मेरे इमोशंस चेंज हो रहे हैं और कैसे मेरी सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव चेंज हो रहा है तो इसका मतलब जो आ, आचार्यों ने बताया है या ये कह लीजिए कि होता ना एक कि एक सच से साक्षात्कार हो गया सा, सच से अः मिलना हो गया कि आ, शरीर बदल रहा है और मैं सेम हूँ ठीक है ना और ये कब तक करता रहूँ तो ऐसे ही जब भावना आई और अपने आप को मल्टीपल बॉडीज में देखा चेंज होते हुए तो फिर उसको जाति स्मरण कहते हैं तो बहुत से जीवों को जाति स्मरण होने पर सबको हो ही जाए ये जरूरी नहीं है आप ये नहीं समझिएगा जिनको पास रिग्रेशन हो गया लाइफ दिखाई दे गई वो सबको दर्शन हो ही जाएगा ऐसा नहीं लेकिन वो कारण बन जाता है तो यहाँ पर सिर्फ कारणों को एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या क्या कारण बन सकते हैं हाँ भूमिका हाथ किया? जारू जारू, अम, है चारू जय जी चारू हेलो सुन रहे बोलिए हाँ तो चारू मुझे बस आप क्लियर करो एक बार आपने पहले पढ़ाया था कि मनुष्य गति नरक गति से हम दोबारा नरक गति में नहीं जाते देव गति से हम दोबारा देव गति में नहीं जाते मनुष्य गति से हम दोबारा मनुष्य गति में जाते हैं हम जा सकते हैं यस मनुष्य से मनुष्य बन सकते हैं नरक से नरक में नहीं जाते और देव से देव में नहीं जाते बिल्कुल सही तो तो मनुष्य में कर्म भूमि से कर्म भूमि में जा सकते हैं राइट जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं जैसे यहाँ का कोई जीव विदेश क्षेत्र चला जाए तो उसे कर्म भूमि से कर्म भूमि कहते हैं या यहीं का जीव यहीं पर हो जाए वो भी है और यहाँ का जीव कोई बीच में छोटी सी आयु लेके तिरंश बन जाए तो वो भी पॉसिबल है और उसके बाद फिर से मनुष्य बन जाए ठीक है धर्म श्रवण धर्म श्रवण जो है यहाँ पर किसका कारण बन जाएगा अधिकम सम्यक दर्शन का जिसमें कि धर्म श्रवण धर्म श्रवण किसी के बताने पर ही सुनाई देगा है ना तो धर्म का सुनना धर्म मतलब कि वस्तु स्वरूप क्या है वस्तु पर क्या है जीव तत्व तो उसके बारे में जहाँ जानने मिले वो धर्म उपदेश हो गया धर्म उपदेश का श्रवण और मनन ठीक है ना खाली हमने उपदेश सभा में बैठ आए जाके तो वो सम्यक दर्शन में कारण नहीं बन पाएगा जब तक कि हमारा मनन ना हो उसपे चिंतन मनन कहते हैं ना तो उसपे थॉट प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है लेकिन बिंब है ठीक है बिंब मतलब शेडो कह लीजिए या उसका रेप्लीकेट ठीक तो जिन बिंब दर्शन तो भगवान की मूर्ति प्रतिमा वो क्या कहलाती है जिन बिंब का दर्शन क्योंकि अभी भगवान आज के टाइम में तो हमारे सामने है नहीं है ना तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं प्रतिमाएं देख सकते हैं और वीतरागी तरागी मुनियों का दर्शन तो उनसे हमें क्यों सम्यक दर्शन हो पाता है कि देखिए भगवान जो बनने का रास्ता है सिद्ध बनने का रास्ता है वो इसी त्याग तपस्या से जाता है ठीक है तो ऐसा जब समझ में आता है राइट right? कि ये जो भोग के साधन जो दिखाई दे रहे हैं उनमें मुझे कभी अपना कल्याण मैं नहीं कर पाऊंगा राइट right? या काम पर कर पाऊंगी तो करना क्या है फिर अपने आप को पहचान के जो पर है उससे दूर होते जाना है तो इसलिए वीतरागी मुनि क्या हमें एक तरह से अपने शरीर ये जो दिखाई दे रहा है जिन लिंग उससे हमें गाइडेंस मिलती है राइट right? कि भाई हाँ हमें ये सब कुछ छोड़ना है सबसे त्याग सबसे अटैचमेंट को छोड़ना है हाँ रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेस किया चारू, चारू जैसी सारी चीजें तो इनको भी हम उसमें लेंगे क्या निसर्गज कौन सा अधिगमज हाँ, का हाँ हो गया ना ये जाति स्मरण हाँ। किसमें आ गया निसर्ग में धर्म श्रवण आ गया अधिगमज में अधिग। फिर जिन बिंबर्शन फिर निसर्गज में एकदम अच्छा, कह, क्या शुरू किया पढ़ी थी वो अंतर कारण था हमारे बाहर के कारण जाति स्मरण जी ठीक है फिर वेदना अनुभव वेदना अनुभव में कुछ नहीं बाहर से कोई उपदेश नहीं सुना लेकिन तीव्र वेदना जन्य पीड़ा का अनुभव कई बार यह मात्र नारकी जीवों को होता है तो बहुत ही तीव्र वेदना हो जाए तो भी ये लगता है कि भाई मैं ये क्यों भुगत रहा हूँ इस तरह से बार 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 वैसा क्वेश्चन होते रहना उससे फिर रियलाइज होता है कि हम हम ये जो सोल है इसने कुछ गलत किया है उसके पाप की सजा मिल रही है हमें है ना तो ऐसा वेदना अनुभव उस वेदना को बहुत डीपली फील करना रियलाइज करना तो वो वेदना अनुभव फिर देवर्धि दर्शन मतलब जो ये देवों में होता है वैसे, तो देवर्धि दर्शन में अपने से अपने से से बड़ी बलशाली, वैभवशाली देवों को देख कर ठीक है कि भाई उसने कुछ अच्छा किया होगा ऐसा विचार करके राइट तो फिर वो जानते हैं उसने क्या अच्छा किया राइट तो फिर पता चलता है कि उसके पास सम्यक दर्शन है इसलिए वो ऊपर के स्वर्गों में है ठीक तो अपने से अधिक रिद्धि और वैभवशाली देवों का दर्शन फिर हो गया जिन महिमा दर्शन, तीर्थंकरों के पंच आदि महा महोत्सवों का दर्शन है ना उसमें तो तीर्थंकर के पंच कल्याणक जो होते हैं जो रियल तीर्थंकरों के पंच कल्याणक है उनमें जो सम्यक दर्शन होने होता है सामने सामने उनको देखकर है ना तो वो तो अपने आप में अलग ही चीज है बिल्कुल है ना तो ये सारे कारण है सम्यक दर्शन देवर जी दर्शन मतलब ये कि अपन उनको उनका वो करेंगे अपन मतलब उनकी प्रभाव मतलब अपन उनको नहीं ये सिर्फ मतलब... देवों में होता है अच्छा। दर्शन ये अपने, अपने से ऊंचे देवों को देख कर होता है अपने को को भी देवों देखना अपने आप को नीचा मान के वो ऊपर के स्वर्गो के देवों को देखते हैं उनका वैभव देखते हैं है ना अपन भी अपने को सोच सकते हैं कि अपनी लाइफ में तो क्यों है, है हाँ, तो बहुत अच्छे कर्म करके वो आज यहाँ पर है तो हम अच्छे कर्म करें तो पता हाँ, नहीं कहाँ पहुंच जाए हाँ इस तरह का चिंतन जो है ये भी सम्यक दर्शन में कारण बन सकता है ये किसमें आ जाएगा धर्म श्रवण में क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो जो हमारा विपाक विचय धर्म ध्यान है right? wow. विपाक विजय में क्या है हम यही तो देखते हैं कि कर्म का विपाक, मतलब फल कर्म के फल का विचार करना विपाक विचय धर्म ध्यान है okay. इनमें मनुष्य और तिरियंचो को जाति स्मरण धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन ये तीन सम्यक उत्पत्ति के हेतु है ठीक है जाति स्मरण से धर्म श्रवण से और जिन बिम से तो जो बाकी बचे वो देवों को जाति स्मरण धर्म श्रवण देवर्दी दर्शन तथा जिन महिमा दर्शन रूप चार कारणों से सम्यक दर्शन होता है उनमें भी देवर्दी दर्शन बारहवें स्वर्ग तक के देवों में और जिन महिमा दर्शन सोलवे स्वर्ग तक के देवों में ही सम्यक दर्शन का हेतु है हाँ भूमिका क्वेश्चन तो देवों में जिन बिन दर्शन से क्यों नहीं होता उनके पास भी तो जिन प्रतिमा होती है और वो भी नंदीश्वर जी ना ले जाते हैं तो उनको जिन बिन से क्यों नहीं होता समय दर्शन हाँ। हा, क्यों नहीं होता ये तो नहीं मालूम लेकिन जिन महिमा वो डायरेक्ट जा सकते हैं उनके पास ये सुविधा है पंचकल्याणक में जाने की तो उसी में ही इंक्लूडेड हो जाता होगा क्योंकि उनके पास तो रियल सामने सामने देखने की शक्ति है ना राइट right? तो इस वजह से नहीं लिया होगा इन्होंने वो पॉइंटर्स दिए ना सारे पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल ले बिल्कुल ले सकते थे जिन बिंब दर्शन भी बट हो सकता है कोई अन्य कोई कारण हो कि नहीं जिन बिंब से हो ही नहीं सकता तो अलग बात है बट ऐसा कुछ है नहीं कि जिन बिंब से नहीं हो सकता और जिन महिमा से हो सकता है ऐसा नहीं है ना तो उसके अंदर ही ले लीजिए जिन महिमा के अंदर ही तो देवर्दी दर्शन बारहवे तक ही क्यों होता है क्योंकि उसके ऊपर के जो स्वर्ग के देव हैं उनकी लेशिया बहुत शांत होती है उन्हें जेलेसी नहीं रहती उन्हें कोई कंपैरिजन नहीं रहता ठीक है तो ये उनके दुख की अपेक्षा ही है देवर्दी दर्शन बेसिकली देवों का जो दुख है उसको देखते हुए उनको सम्यक दर्शन हो जाता है जिन महिमा दर्शन सोलवें स्वर्ग तक ही है क्योंकि सोलवे स्वर्ग के ऊपर के देव जो हैं वो कहीं नहीं जाते राइट सोलवे स्वर्ग से ऊपर के देवों का लोक में आगमन नहीं होता लोक मतलब मध्य लोक मनुष्य लोक और क्योंकि अः आदिनाथ तीर्थंकर होंगे तो नीचे ही होंगे ना राइट तो फिर उन इसलिए बोल रहे कि वो नीचे आते ही नहीं जो नवम ग्रहवेक से लेके नव ग्रहेक अनुत्तर अनुदिश इनके जो देव हैं सब सम्यक दृष्टि होते हैं सॉरी नौ ग्रहवे को छोड़कर ऊपर के तो सारे ही सम्यक दृष्टि होते ही हैं राइट तो सोलह स्वर्ग के ऊपर के देवों का मर्त्य लोक में आगमन नहीं होता जो तो चारु नवग्रहवेक के नहीं होते नवग्रहवेक में मिथ्या दृष्टि देव भी हो सकते हैं ठीक है हाँ। हाँ। तुमने बताया था ठीक है इस कारण से वहां जिन महिमा दर्शन सम्यक दर्शन का हेतु नहीं है नवमे ग्रवेक से ऊपर के देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं नरक गति में तीसरे नरक तक जाति स्मरण धर्म श्रवण और वेदना अनुभव ये तीन हेतु हैं। तीसरे नरक से नीचे देवों का गमन नहीं होने से वहां धर्म श्रवण नहीं होता कोई बताने वाला वहां पर नहीं है कैसे होगा जाति स्मरण होगा या वेदना अनुभव ठीक तकलीफ होने पर उपरोक्त छहो हेतुओं छहो कारणों में धर्म श्रवण के अतिरिक्त शेष सभी निसर्गज सम्यक दर्शन में अंतर्भूत हैं तथा धर्म श्रवण अधिगम सम्यक दर्शन में समाहित हो जाता है ठीक है सराग वितराग सम्यक दर्शन चारू एक बार ये लाइन दोबारा पढ़ो कि जो भी हाँ। पढ़ी तुमने हाँ तो यहाँ पर क्या कहे छे हेतु छे बता दिए यहाँ पर राइट इन छह कारणों में जो धर्म श्रवण है उसके अतिरिक्त सभी नी सम्यक दर्शन में अंतर्बूत है अंतर्भूत मतलब शामिल है ठीक है और धर्म श्रवण क्या है अधिगमज सम्यक दर्शन में समाहित समाहित मतलब शामिल हो जाता है ओके ठीक है सराग और वीतराग सम्यक दर्शन अब ये जो सम्यक दर्शन है ये एक अलग तरह मतलब सम्यक दर्शन ही है लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव से हम सम्यक दर्शन को समझ रहे हैं तो यहाँ पर सराग सम्यक दर्शन में क्या आ जाएगा दो तरह का हो गया सराग सम्यक दर्शन हो गया धर्म अनुराग युक्त सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन है बेसिकली जब हमारा व्यवहार में ज्यादा ध्यान रहता है ठीक है बाहर में तो हम उसे कहते सराग सम्यक दर्शन और जब आत्मा में ध्यान ज्यादा रहता है राइट तो वी तराग सम्यक दर्शन क्योंकि सम्यक दर्शन इज मेनलीस्पेक्टिव राइट तो सराग सम्यक दर्शन बाहर में हमारे सबको देखने का परस्पेक्टिव कैसा है ठीक है और वी तराग सम्यक दर्शन हमें अपने आप के अंदर जो सोल है बस उसी पर फोकस है ठीक है तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रशम संवेद अनुकंपा और आस्तिक आदि गुणों की अभिव्यक्ति इसका मुख्य लक्षण है लक्षण मतलब इसकी पहचान है कि सराग सम्यक दर्शन अगर किसी को होगा तो उसके अंदर ये चार गुण आ ही जाएंगे एक बार शायद भूमि का आपने क्वेश्चन किया था राइट कैसे पहचानेंगे तो प्रशम संवेद अनुकंपा और आस्तिक तो प्रशम क्या है क्रोध आदि विकारों का अनुद्रेक मतलब कि बहुत तीव्र कषाय नहीं होना जिस पर्सन ने अपने आप को पहचान लिया ठीक है उसके अंदर बहुत तीव्रता नहीं रहती किसी भी कषाय की क्योंकि उसको ये बात समझ में आ जाती है या समझाने से बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि ये तुम कर क्या रहे हो राइट right? कौन हो तुम अगर ये देखा जाए अगर हम आपसे कहें कि आत्मा तो सिर्फ देखने जानने वाला है वहां पर और कोई थॉट और कोई अटैचमेंट नहीं है राइट उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला है किसी के ऊपर चिल्ला के या किसी की वस्तु छीन कर कुछ भी नहीं मिलेगा राइट सिर्फ देखने जानने वाला है तो क्या होगा उसको आप किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहेगा ठीक है तो ये बेसिकली प्रश्न इज आउट क्या चिन्ह प्रकट होते हैं बाहर में उनकी बात कर रहे हैं ठीक है तो इस तरह से समझिएगा इसे और क्या प्रकट होगा अनुद्रेक का, अनुद्रेक का मतलब होगा हुआ, हुआ कि कमी होना हाँ हाँ उनका अनुद्रेक मतलब उनके आवेश में कमी होना रोक लग जाना संवेग संसार से सतत भीति भीति मतलब भय सतत मतलब कंटिन्यूअस कांस्टेंट और मोक्ष की अभिलाषा और अंदर में क्या इच्छा रहेगी कि मैं कब इन कर्मों से छूटू ठीक है क्योंकि उसको समझ आ गया कि मेरे अंदर मेरी लाइफ में जो चल रहा है सब कर्मों की वजह से है ठीक और जो संसार में दुख दिखाई दे रहे हैं वो भी सब अपने अपने कर्मों का भोग रहे हैं ठीक कोई खुश है तो कोई बहुत दुखी है और दुखी की तो कोई सीमा ही नहीं है राइट आज के टाइम में जो हम वॉर की बातें देख रहे हैं उसमें कितना अजीब सा कितना भय सा लगता है आ, कि मतलब वहां के जनता जो रह रही है वहां पर दिन रात उनको किस तरह के माहौल में रहना पड़ता होगा राइट हम तो दूर सिर्फ न्यूज में पढ़ ले रहे हैं उनकी लाइफ में तो एक्चुअल में ये सब हो रहा है राइट तो सतत भीती ऐसी खबरें ऐसी सब सोच करने के बाद संसार से एक विराग जैसा अंदर से एक डिसोसिएशन क्रिएट होना कि नहीं मुझे इस संसार में वापस नहीं आना ठीक है ऐसी स्ट्रोंग फीलिंग बन जाना संवेग कहलाता है ठीक है ना कई बार लोग कहे कहते हुए पाए जाते हैं कि हम अगले भव में भी आप ही से जुड़ें हम ये ही मेरे घर में पैदा हो या हम इसी के साथ अब जन्मों जन्मों तक पैदा होते रहे यू नो जो नॉन जेंस में मूवीज में बहुत दिखाते हैं जन्मों का और ये सब तो जो सम्यक दृष्टि है उसको कभी बहुत अंदर में नहीं आएगी कि मुझे ये फिर से मिले राइट उसकी क्या ए, इंटेंशन रहेगी हमेशा मोक्ष की अभिलाषा कि उसको जो ये शरीर मिल रहा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल रहा है ये किस लिए मिल रहा है कर्मों की वजह से तो ये सबसे छूटना है उसे ठीक है तो उसे मोक्ष की अभिलाषा रहती है ठीक है तो ये कहीं से दिखाई देगी क्या किसी के अंदर संवेग है ये कोई देख नहीं पाएगा लेकिन जब बात करो उससे तो पता चलता है पता चल जाता है कि उसके अंदर अब वो संसार में इंटरेस्ट नहीं रहा हाँ नंदा जी आपने हाथ रेस किया हाँ एक एक क्वेश्चन है कि हमेशा ये सोचते रहना कि हमें मोक्ष हो जाए या एक इस तरह से अब जो भी होगा होगा और अपना काम अच्छे से करते जाना तो मतलब किसमें ज्यादा आपका मतलब आपने मोह छोड़ा हुआ है हाँ तो मोक्ष अगर आपको क्लैरिटी है कि मोक्ष कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिद्धशिला पर जाकर बैठ जाऊंगा बाकी सिद्धों के बीच में तो बहुत अच्छा लगेगा ऐसा नहीं ठीक है मोक्ष इज नो कर्म स्टेट ठीक और अभी जो मैं कहूं कि मैं अपने काम से काम रखू अपना बस काम करता चलू ठीक है तो उसमें भी क्लैरिटी होना जरूरी है कि हाँ अगर ये क्लैरिटी है कि ये जो हो रहा है मेरे साथ ये कर्म का उदय चल रहा है मुझे इसमें ज्यादा घबराना नहीं या ज्यादा जवाब इस दे ही नहीं करना या इसमें ज्यादा इंडल्ज नहीं होना ठीक है तो इस तरह के भावों सारा भावों का ही खेल है ना तो दोनों ही तरीके से जो रिजल्ट निकलेगा वो एक ही निकलेगा लेकिन डिपेंड करेगा कि क्लैरिटी कितनी है ठीक है मोक्ष खाली मोक्ष कह देने से हम ये नहीं मान सकते कि पर्सन को क्लैरिटी हो गई मोक्ष कहीं रटा रटाया वर्ड भी हो सकता कईयों के लिए ठीक है ना जब उनसे पूछा जाए ये बहुत अच्छा प्रकरण है एक्चुअली शांति पथ प्रदर्शन का कि एक इंसान बिजनेसमैन का बहुत कारखाने थे और जब देखो तब मोक्ष मिल जाए मोक्ष मिल जाए करता था दस पुत्र थे तो एक बार एक देव के मन में आया कि इसकी परीक्षा लेते हैं इतना मोक्ष 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 करता है तो गया देव उसने बोला सेठ से कि भाई तुम्हारे की इच्छा स्वीकार हो गई है और आज से दस दिन बाद दस दिन एवरी डे तुम्हारा एक पुत्र और एक कारखाना खत्म होता जाएगा और दसवें दिन तुम्हारा सब कुछ खत्म होगा और तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा सेठ ने यह सुना कि अरे सब कुछ चला जाएगा मेरे बच्चे भी नहीं रहेंगे मेरा कारखाना भी नहीं रहेंगे ऐसे मोक्ष का क्या करना है मुझे तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। ठीक है तो अब क्या हुआ ये रटन लगा रखी थी उसने मोक्ष मोक्ष की राइट तो मोक्ष क्या है वाकई में आरवी रेडी सब कुछ छोड़ने के लिए आज कोई हमसे हम सब कुछ यहाँ से ले जाए तो क्या हमारे अंदर हल्की सी भी कुछ हलन चलन होगी या हम रेडी हैं मोक्ष की अभिलाषा तो बहुत गहरी चीज है तो अपने को इसको हल्के में नहीं लेना और फिर अगर हमें ये रियलाइजेशन में आ जाए कि हाँ हम सब कुछ छोड़ने तैयार हैं ये संसार में अब और नहीं भटकना तब कह सकते हैं कि हम अपना कार्य बहुत अच्छे से अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं क्लियर हुआ नंदा जी अपन सकते अपन जन्म मरण की झट से छुटकारा पाना जाते हैं मोक्ष अपन इस हाँ बहुत ने? अच्छे से बताया बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हाँ, आपने ने? तो एक चीज ये थी कि जैसे अभी हम नहीं रेडी अब इस घर परिवार को छोड़ने के लिए क्योंकि हमें लगता है कि जब हम इस घर परिवार में आए हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा करना चाहिए फिर हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और कहते हैं कि हमें अपना जैसा बना लो और हमें मोक्ष दे दो नहीं। नहीं। तो ये कॉन्ट्रोडिक्टी नहीं है जो हम मंदिर में अनलेस यू रियली हार्ट एट दैट मोमेंट ठीक है क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां जाके बोलना ही नहीं चाहिए कुछ क्षण पूरे दिन में ऐसे निकाले जा सकते हैं जब हमें रियलाइज हो कि नहीं मुझे ये सब अब और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए है ना ये नहीं कह रहे कि जो है अभी ये खत्म हो जाए ठीक है ये मैं या मैं ये सब कुछ छोड़ दू अभी जो है वो हमें कर्तव्य मान के पूरा करना है लेकिन अब इसके बाद इनकी और इच्छा करो कि ये फिर से मुझे मिल जाए वैसा नहीं अब मुझे बस आपके जैसा बनना है ठीक है ना तो इसलिए अगर हम भावना ही नहीं भाएंगे कि हमें भगवान जैसा बनना है उनको देख कर कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया मुझे भी आप ही के दिखाए रास्ते पे चलना है तो अगर भावना निभाएंगे तो फिर ये चीजें हमारी क्योंकि घर में रहेंगे इसका मतलब तो हम घर के बारे में ही सोचते रहेंगे राइट तो जैसी सोचोगी वैसा ही आगे का भविष्य होगा तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसा समय निकालें उस चीज को यूज करें मंदिर भी जाएं तो हम यही भावना रखें कि हम कब इस संसार से छूटेंगे ठीक बहुत अच्छा थैंक यू पूर्णिमा जी आपका हो गया था आंसर जन्म मरण के आप जो कह रहे थे हाँ। तो उसमें भी अगेन सिर्फ कहने से नहीं आप वाकई में उस पर वर्क कर पाए कि जन्म मरण क्या मुझे वाकई में नहीं चाहिए अगर कोई मेरा परिवार से छोड़कर जाता है क्योंकि जन्म मरण सब पे अप्लाई होता है सिर्फ हमारे पे नहीं राइट नहीं। तो सब हम बाकियों से भी उतना ही डिटेच है कि नहीं है कोई हमें छोड़ के गया तो हम ना दुखी हो ठीक है क्योंकि उसका जन्म मरण अलग चल रहा है उसके कर्म का बैलेंस अलग चल रहा है राइट मेरा अलग है तो हमें अगर अपना जन्म मरण नहीं चाहिए तो हमें अटैचमेंट पे भी वर्क करना पड़ेगा अगर हम बाकियों से खूब अटैच रहे और बातें करते रहे जन्म मरण ना हो तो कैसे पॉसिबल होगा क्योंकि जन्म मरण कैसे हो रहा है कर्म उसके उदय से राइट कर्म कैसे बंद रहे हैं हमारे डे टू डे के विचारों से और विचार में क्या आता है विचार में आ रहा है अटैचमेंट रोज तो बंद रहे ठीक है ना तो हर समय बंद रहे हैं और बातें करें हम जन्म मरण से छूटने की तो वो कैसे पॉसिबल होगा ठीक है ना तो इसलिए जब भी सोच करें जन्म मरण बेसिकली वो क्या है जन्म मरण तो वो सिद्ध अवस्था है तो उस सिद्ध अवस्था का ध्यान करें थैंक यू और क्या होता है उस समय दृष्टि में अनुकंपा अनुकंपन बेसिकली जो दूसरे में आ, दूसरे के अंदर कैसे भाव हो रहे हैं वैसी अनुकंपा अगर कोई दुखी है तो उसके दुख को देखकर अंदर में हमारे भी कंपन हो हमारे अंदर भी दुख महसूस हो उसको कहते हैं अनुकंपा तो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव है ना तो इसमें भी एक छोटी सी घटना ये रहती है मेनली एक ईश्वर चंद्र लॉयर हुए और एक बार वो कोर्ट की तरफ जा रहे थे ब्लैक कलर का उनका जैसे वो जो कवर पहना रहते हैं जैकेट लॉयर्स uh, की वो पहनी थी एडवोकेट की और uh, उन्होंने एक नाली में फंसा हुआ कुत्ता देखा बहुत तकलीफ में था ठीक तो उन्होंने क्या किया गाड़ी रुकवाई और उस कुत्ते को अपने उसी कोट समेत उसको नाली से बाहर निकाला ठीक और वो थोड़ी सी कीचड़ जो थी वो उनके कपड़ों पर भी लग गई और क्योंकि वो लेट हो रहे थे तो कोर्ट में पहुंचे वैसे के वैसे विद दैट डर्ट ऑन द कोट तो फिर सबने पूछा कि ये क्या है भाई आ, ऐसा क्यों क्या हुआ आपके साथ तो उनने बोला कि मैं मैंने एक वहाँ पे रास्ते में एक कुत्ते को फंसा हुआ देखा उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई ठीक तो उन्होंने कहा कि मैंने उस कुत्ते की हेल्प नहीं करी मैंने सिर्फ अपनी हेल्प करने के लिए उसको बचाया तो ये क्या बात हुई अपनी हेल्प कैसे हो गई यहाँ पर तो बोले कि मुझे अंदर से बहुत वेदना हुई उसको देखकर तो मैंने उस वेदना को मिटाने मिटाने के लिए उस कुत्ते को बाहर निकाला ठीक है तो अपने लिए हम किसी की हेल्प करते हैं हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते कभी भी किसी की हेल्प करें तो हमें ये नहीं देखना कि हमारी वजह से उसका भला हो गया ठीक है ना हम दूसरे का भला करते क्योंकि हमें अंदर में शांति मिलती है हमें दूसरे की तकलीफ देख कर दुख होता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं ठीक है तो इस चीज को भी बहुत समझिएगा कि कभी इससे फिर अहंकार नहीं आने पाता हम जब दूसरे की हेल्प करते हैं फिर है अगला आस्तिक समय दृष्टि के अंदर एक और गुण प्रकट होता है जो उसके दृढ़ श्रद्धान को बताता है क्या है आत्मा कर्म कर्म फल और पुनर्जन्म आदि में विश्वास ठीक है ना ये तो बहुत सबको काफी स्वाध्याय के बाद क्लियर हो गया होगा है ना कि क्या आत्मा, क्या आत्मा कर्म कर्म फल और पुनर्जन्म इनमें उसे गहरा विश्वास हो जाता है उसको कोई कह दे आके कि नहीं नहीं अब तुम मर के ना कुछ नहीं नया जन्म नहीं होता सब खत्म हो जाता है तो वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है जब तक कर्म जुड़े हैं तब तक जन्म होता रहेगा इसलिए पुनर्जन्म है ना और पुनर्जन्म किसका होगा कर्म की वजह से पुनर्जन्म का कारण कर्म का फल ठीक है ना और किसको पुनर्जन्म हो रहा है बार बार आत्मा पुनर्जन्म ले रही है मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा नया कुछ बन जाती है आत्मा वही है शरीर बदलता रहता है तो ये आस्तिक अपने अस्तित्व पर श्रद्धान की मैं जीव हूं शाश्वत हूं ठीक है ऐसा अब है तराग सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन समझ में आ गया जब हम बाहर में दृष्टि रखें और क्या चेंजेस आते हैं सम्यक दर्शन में क्या है राग रहित सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन कहलाता है राग रहित सम्यक दर्शन की सम्यक दर्शन तो है सराग सम्यक दर्शन के का फर्दर स्टेप है ये ठीक है जिन्होंने अब सब कुछ सब तरह का राग त्याग दिया उनका जो सम्यक दर्शन है वो क्या कहलाएगा वीतराग सम्यक दर्शन तो वीतराग सम्यक दर्शन कभी भी सराग सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकता पहले सराग होगा फिर वीतराग होगा यह वीतरागी मुनियों को ही होता है क्योंकि यह वीतराग चारित्र का अविनाभावी है अविनाभावी का अर्थ यहाँ पर बताया है जो जिसके होने पर हो और नहीं होने पर नहीं हो जैसे धूम्र और अग्नि का अविनाभाव स्वभाव है संबंध है तो धुआं है तो जहां जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य है जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं होगा तो अविनाभावी संबंध जैसे पिता है तो उसका पुत्र भी होगा ठीक और पुत्र है तो पिता भी होगा तो ये क्या कहलाएगा अविनाभावी स्वभाव ठीक तो किसी के अगर आ, चारित्र अगर किसी के पास है तो वित समय दर्शन भी होगा इसी प्रकार चारित्र के अभाव में वीतराग सम्यक दर्शन संभव नहीं है और विराग सम चारित्र क्या है बेसिकली चारित्र इस राग रहित अवस्था ठीक हाँ भूमिका विराग चारित्र मतलब निगम मुद्रा राइट तो वो वो कैसे गारंटी देता है कि वितराग चारित्र से समय दर्शन जरूरी है क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि निगम मुद्रा अभव्य जीव की भी होती है मिथ्या दृष्टि की भी होती है तो समय दर्शन और वितराग चारित्र का कैसे रिलेशन हां यहां पर वितराग चारित्र में ये नहीं कहा देखो यहां पर यह वितरागी मुनियों को होता है सभी मुनियों को होता ये नहीं लिखा वीतरागी जो मुनियों जिन मुनियों का राग खत्म हो गया या राग कम हो गया बिल्कुल ना ना के बराबर हो गया वो ही अपनी आत्मा का ध्यान कर सकते हैं राइट तो इसलिए मुनियों को ही होता है ठीक है तो यहाँ पर मिथ्यादृष्टि दृष्टि मुनियों को नहीं होता आगे। 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 आगे की की बात हाँ बिल्कुल ठीक है अब सम्यक दर्शन के और दो तरह से देखने के नजरिया है वो देखते हैं निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन है ना ये बातें ये बात हम बहुत ज्यादा सुनते हैं वर्ल्ड तो व्यवहार बेसिकली जो सराग सम्यक दर्शन है राइट जिसमें अभी राग है राइट तो वो व्यवहार उसको व्यवहार भी कह सकते हैं और निश्चय जैसा हमने अभी ऊपर वीतराग सम्यक दर्शन देखा था वैसा ही निश्चय सम्यक दर्शन को समझिए तो वीतरागी देव शास्त्र और गुरु पर एक निष्ठ श्रद्धा निष्ठ मतलब स्ट्रॉन्ग श्रद्धा फेत होना वह भक्ति वितरागी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा और भक्ति होना व्यवहार सम्यक दर्शन है और शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति मतलब अपने शुद्ध आत्म तत्व को एक्सपीरियंस कर पाना वो निश्चय सम्यक दर्शन है ठीक है निश्चय का हमेशा मतलब क्या है शुद्ध राइट तो जो प्योर अपनी फॉर्म को देख पाता है प्रतिति में ला पाता है वो निश्चय सम्यक दर्शन जो और किसी चीज की बात नहीं करता निश्चय सम्यक दर्शन में कोई देव शास्त्र गुरु की बात नहीं होती सिर्फ आत्मा की जो बात करे वो निश्चय सम्यक दर्शन और जो बाहर में व्यवहार की बात करे देव शास्त्र गुरु क्या है व्यवहार है हमारे है ना इनसे हमें निश्चय सम्यक दर्शन होता है तो व्यवहार सम्यक दर्शन कारण है और निश्चय सम्यक दर्शन कार्य है ठीक है बार 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 हम देवशास्त्र गुरु के ने जो बताया है उन उनकी जो चर्या है उस पर ध्यान दें तो हमें निश्चय सम्यक दर्शन हो सकता है ठीक है अब सम्यक दर्शन के तीन और भेद बताए जो उसके नेचर से जो उसके अंतरंग हमने जो पंचलब्धियों में देखा था उसके अकॉर्डिंगली जो कर्म की प्रकृतियों के बेस पर सम्यक दर्शन का अंतरंग मतलब इंटरनल रीजन क्या है सम्यक्त विरोधी कर्मों का उपशम क्षय और क्षयशम सम्यक्त विरोधी मतलब जो सम्यक्त का विरोध करे जो सम्यक्त होने से रोके ऐसे कर्मों का अगर हम उपशम उपशम मतलब दबा देना छय खत्म कर देना और छय उपशम कुछ को दबा दिया कुछ को खत्म कर दिया इस अपेक्षा से सम्यक दर्शन के तीन भेद हैं तो वो देखते हैं उपशम सम्यक दर्शन छायिक सम्यक दर्शन और उपशम सम्यक दर्शन हाँ रुकमणि आंटी चारू मुझे एक चीज पूछनी थी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ज्ञान का क्षयोपम हो हाँ, गया हाँ जी तो वो ज्ञान का क्षयोपम हो गया का मतलब हमारा ज्ञान बढ़ा या घटा क्या मतलब होगा ज्ञान का शिवपम बढ़ गया ऐसा बोलते हैं या ज्ञान का शिवपम घट गया तो वो क्या होता है ज्ञान का शिवपम शिवपम से एक दूसरा वर्ड मानिएगा गुण तो अच्छा। ज्ञान गुण जो है वो बढ़ गया अच्छा ज्ञान गुण घट गया ठीक है वैसा समझिएगा जैसे हम अगर मांगे कि भगवान हमें ज्ञान का काम दो कहना चाहिए या खत्म करो क्या कहना चाहिए आ, नहीं ज्ञान बेसिकली ज्यान का तो अपने आप घटब जाएगा अगर आपको मांगना है तो दर्शन मोहनीय कर्म हमारा खत्म हो ओके okay. ठीक है मोहनीय कर्म ही हमारे अंदर सम्यक दर्शन को नहीं होने देता ओके okay. हाँ, चार प्रकार का हो गया ना मोहनीय दर्शन हाँ तो वो चीज सबसे ज्यादा डेंजरस है ज्ञान हमारे भले ही ना बढ़े अच्छा अब वो जो शिवभूति महाराज की कहानी आती है राइट हाँ। जिनको कुछ याद नहीं रहता था हाँ। तो ज्ञान का शिव इसमें बहुत मैटर नहीं करेगा अच्छा चारित्र मोहनीय कर्म ज्यादा मैटर अच्छा। करता है ओके ठीक है मैं कई दिन से सोच रही थी लेकिन आज ये टॉपिक की आ गया तो मुझे एकदम हाँ ठीक है बहुत अच्छा लेकिन अपने को ध्यान देना है की फायदा किस में है जैसे अपन बनिए रहते हैं ना बनिए मेंटेलिटी के तो जिसमें फायदा ज्यादा है हम उसे करना पसंद करेंगे राइट हाँ। तो वैसा तो सम्यक दर्शन या अपने लिए फायदेमंद है तो इसलिए हम उसके लिए मोहनीय कर्म पे वर्क करें ठीक है थैंक यू थैंक यू उपशम सम्यक दर्शन अब ये तो पता चल गया कि सम्यक दर्शन का विरोधी कर्म कुछ होता है राइट नहीं तो सबको सम्यक दर्शन हो गया होता लेकिन ये जो कर्म है वो होने नहीं देता ठीक है ना इसलिए सम्यक विरोधी कर्मों के उपशम यानी दबने से उत्पन्न सम्यक उपशम सम्यक दर्शन है उन कर्मों का एक बार को दबा दिया चालू हो जाए थी कर उपमनी आंटी पूछ रहे थे ना शायद कि 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 वो तो वो वो मुझे कि वो किस सेंस में समझ आया कह रहे होना चाहिए क्षयक्षम नहीं तो वो ज्ञान का क्षयक्षम होना चाहिए, तो था कि हाँ, होना चाहिए।, तो होना चाहिए लेकिन तो ज्ञान का नाश हो बेसिकली उसका मतलब ऐसा हो जाता है की ज्ञान काम तो है सबके पास है वो होना चाहिए बढ़ना चाहिए अग्रीड लेकिन अगर मांगने को मिले अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि आप कुछ मांगो तो बजाय ज्ञान के शिवशम के मोहनीय कर्म का नाश हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऑल आई वाज ट्राइंग टू ठीक है कि, क्योंकि ज्ञान का शिवशम अपने कर्म के उसमें इतना मैटर नहीं करेगा अनलेस कि हमें हर चीज याद करने का मन कर रहा हो ठीक है जिसका ज्ञान का श्योपम ज्यादा होगा उसे जल्दी सब कुछ याद होगा हाँ, मैं यही चीज पूछना चाह रही थी जैसे याद नहीं होता ना हाँ जी तो यही चीज पूछना चाह रही थी कि ज्ञान का शवशम हमारा हुआ या क्या हुआ ज्ञान हाँ, का काम कम हो गया कम हो गया इसलिए याद नहीं हो रहा ठीक है ठीक है थैंक यू भूमिका थैंक यू चारूर हाँ, हाँ वर्ष मैं ये कह रही थी कि हमें ज्ञान तो सभी को है लेकिन ज्ञान कर्म का आवरण है राइट हाँ जी और वो हमें सम्यक दर्शन होने नहीं देता आ, ऐसा है ज्ञान के आवरण से सम्यक दर्शन नहीं मोहनीय कर्म के कारण सम्यक दर्शन हाँ। हो पा रहा जी ठीके? लेकिन हमें लाइक like, अगला जन्म याद नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर ज्ञानी कर्म का आवरण लग गया राइट हाँ, तो ज्ञान तो सभी नहीं में समान ही होगा राइट सही है अभी जी। आज जी। हमारे अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान ये सब नहीं है क्योंकि हमारे ज्ञान का उतना क्षयोक्षम नहीं है नहीं है ज्ञान कर्म हमें जी 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 ये इन तीनों का क्या है उपशम शायक मतलब ग्रो होना और क्षयोशम मान घटना इन तीनों का ये देखिए ना उपशम मतलब दबाना अच्छा उपशम का दबाना हाँ क्षय का मतलब तो खत्म करना होता ही है सबको मालूम है और क्षय और उपशम को मिला के बनता है क्षयोपम अच्छा या तो खत्म ही कर दो पूरा या दबा के रख दो yes. yes. तो नहीं होता लेकिन इतना मंद हो जाता है कि टू छय ठीक है तो वहां पर छय नहीं हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट बिल्कुल कम कर दिया थैंक यू ये छय ऑप्शन सम्यक्त विरोधी कर्मों के उपशम दबने से उत्पन्न सम्यक्त तो उपशम सम्यक दर्शन है दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप तीन और चारित्र मोहनीय की चार प्रकृतियां अनंतानुबंधी क्रोध मान अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी सात कर्म प्रकृतियां सम्यक विरोधी कर्म मानी जाती हैं कि जब तक ये उदय में है तब तक हमारे को सम्यक्त तो नहीं होगा ठीक है तो इसलिए इनके इनको क्या कहा ये कर्म प्रकृतियां सम्यक्त विरोधी हैं, ठीक है थीके? सम्यक्त को नहीं होने देती इनके पूर्णतया उपशांत होने पर, ठीक है खत्म होने पर वर्ड नहीं यूज किया उपशांत होने पर जो सम्यक्त उपलब्ध होता है वह उपशम सम्यक्त कहलाता है जैसे ग्लास है मिट्टी वाला पानी डाला थोड़ी देर शांत रहने दिया तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है ठीक है जब तक कि उसे फिर से हिलाया ना जाए ठीक तो ऐसे ही जब हम अपनी लब्धियों की प्रक्रिया कर रहे होते हैं राइट? तो उस समय पर जो कर्म का द्रव्य है राइट? तो वो उदय में नहीं आता तो इतनी देर के लिए जितनी देर के लिए वो उदय में नहीं आ रहा है तब हम सम्यक्त्व को प्राप्त कर पाते हैं उपशम सम्यक्त्व की स्थिति अंतर की होती है उसके बाद वह नियम से छूट जाता है ठीक है तो ये जो हमने पांच लब्धियां ऊपर पढ़ी थी वो उपशम सम्यक्त्व की स्थिति थी अब है उपशम सम्यक्त्व के बाद क्षाहिक सम्यक दर्शन ऊपर युक्त सातों प्रकृतियों के क्षय से उत्पन्न सम्यक्त क्षाहिक सम्यक्त्व कहलाता है यह सम्यक प्राप्त होने के बाद सदा बना रहता है इसकी उपलब्धि केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में रहने वाले कर्मभूमि के मनुष्य को ही होती है तो या तो खुद केवली हो या श्रुत केवली श्रुत केवली जो अभी केवली नहीं हुए लेकिन सारे संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता हैं। ऐसे उनके पादमूल में रहने वाले पादमूल मतलब उनके निकट ठीक है उनको कर्म भूमि के मनुष्य को ही होती है तो यहाँ पर अगर होगी तो चतुर्थ काल में राइट या फिर विदे क्षेत्र में हमेशा ऐसे छाईक समय दृष्टि होते रहते हैं छाइक सम्यक दृष्टि जीव मरकर चारों गति में जा सकता है किंतु नरक में प्रथम नरक से आगे नहीं जाता और वह भी सम्यक तो ग्रहण करने से पूर्व आयु बंद जाने की स्थिति में है ना तो जो हमने राजा श्रेणी का एग्जाम्पल देखा हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई होगा ठीक है राजा श्रेणी प्रथम नरक से आगे क्यों नहीं गया क्योंकि वो छाई सम्यक दृष्टि था इसी प्रकार जिन्होंने मनुष्य आयु या तिरंज आयु का बंद कर लिया और बाद में छाइक चमे दर्शन प्राप्त किया तो वे भोग भूमि के मनुष्य या तिरंज बनते हैं मनुष्य से मनुष्य हम्म हाँ, तो वो लक्ष्मण जी और वो थे वो भी तो शाइक वो नहीं थे शाइक समय छाइक नहीं थे छाइक नहीं थे हम्म इसीलिए वहां तक गए ना थर्ड में हम्म हाँ। छाईक सम्यक दृष्टि दो या तीन भवों के अंतराल में अवश्य ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है है ना कहीं कहीं सात भव तक की भी चर्चा आती है लेकिन यस जो भी है छायिक सम्यक दृष्टि का बहुत कम समय बचता है संसार में अब है क्षयोपम सम्यक दर्शन उपशम देख लिया अंतर्मुर्त का है होने के बाद छूट जाएगा छयोपशम चतुर्थ काल में हो नहीं पंचम में हो नहीं सकता है ना तो अपने पास पॉसिबिलिटी किसकी है जो अपने काम का है वो क्षयोपम सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन की चर्चा अपन कल तो तो को सम्यक, बोल गई अभी कर तो यहाँ हो नहीं सकता और क्षयोपम हो सकता है वो हमारे काम आ, का वही का बोलना था ना कि अच्छा अच्छा हाँ ठीक है तो शुभम समय दर्शक जो कर, हमें हो सकता है उसकी चर्चा हम कल देखेंगे हाँ नंदा जी हाँ ये जो मोहिनी कर्म में आपने बताया चार कारण होते हैं चार चीज होते है, क्रोध, मान, माया, तो माया मतलब पैसा बस करने वाली टेंडेंसी माया कुछ? मतलब मायाचारी झूठ बोलना छुपाना अच्छा अच्छा झूठ करना हाँ अच्छा अच्छा वो मायाचारी ठीक है यस और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास चलिए जिनवानी स्तुति जावाणी के ज्ञान से सुझे लो का लोक सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन नौ बार नमो